दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में आपको बताने वाले हैं, उस देश का कुछ हिस्सा तो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है और कुछ हिस्सा यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। एक ऐसा देश जहां के लोग एक दिन में कम से कम 10 से 12 कप चाय पी जाते हैं, और ये एक ऐसा देश है जहां आपको चिकन से बनी मिठाई मिलेगी। चिकन की मिठाई सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जिसने भी इस मिठाई को खाया उसने इसे टेस्टी ही कहा। इस देश की 99% पॉपुलेशन एक ही धर्म की है, फिर भी ये देश अपने आप को धर्म निरपेक्ष कहता है। ये देश इतना खूबसूरत है कि जो भी इस देश में घूमने जाता है वह वहाँ से वापस नहीं आना चाहता। ये एक ऐसा देश है जहाँ आप लाल रंग की टोपी पहनकर घर से बाहर नहीं निकल सकते। ये देश जितना खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा इस देश की महिलाएं खूबसूरत हैं। यहाँ की शाम इतनी मदहोश होती है कि यहाँ के सनसेट के आप दीवाने हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल देश की, जिसका नाम टर्की है। आज हम इस वीडियो में आपको ले जाएंगे टर्की के शानदार सफर पर। सबसे पहले हम आपको बता दें कि टर्की का असली नाम रिपब्लिक ऑफ टर्की है। इस देश की कुल आबादी करीब 8 करोड़ 20 लाख है, जिसमें से 76% लोग शहरों में रहते हैं और वहीं 24% लोग गाँव में रहते हैं। टर्की एक ऐसा देश है जो दो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बटा हुआ है। ये देश एशिया और यूरोप के बीच है, पर इस देश का अधिकतर हिस्सा एशिया में ही आता है और बचा हुआ कुछ हिस्सा यूरोप में आता है। टर्की की ऑफिशियल लैंग्वेज टर्किश है। टर्की के उत्तर में ब्लैक सी मौजूद है। साथ ही टर्की अपने बॉर्डर ग्रीस, बुल्गेरिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, इराक और सीरिया जैसे देशों के साथ शेयर करता है। टर्की देश की कैपिटल अंकारा है और वही देश की सबसे बड़ी सिटी और फाइनेंशियल सेंटर इस्तांबुल है। इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार टर्की के सबसे बड़े मार्केट्स में से एक है। इस बाजार में जहां 4000 से ज्यादा दुकानें हैं, वहीं इस बाजार में करीब 25,000 लोग काम भी करते हैं। दुनिया से लाखों करोड़ों लोग हर साल ग्रैंड बाजार में खरीदारी करने पहुंचते हैं। अगर आप कभी भी अपनी लाइफ में टर्की जाएं, तो आप इस्तांबुल के ग्रैंड बाजार जरूर जाएं। टर्की में केवल इस्तांबुल ही ऐसा शहर है जो दो महाद्वीपों में बसा है। टर्की के इस ऐतिहासिक शहर में दो दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं और तीसरे का काम चालू है। यहाँ पर पहले से बने दो एयरपोर्ट्स में से एक एयरपोर्ट एशिया कॉन्टिनेंट के लिए है तो दूसरा एयरपोर्ट यूरोप कॉन्टिनेंट के लिए है। टर्की देश की 99% पॉपुलेशन मुस्लिम है, लेकिन एक ही धर्म के इतने ज्यादा लोग होने के बाद भी टर्की को एक सेक्युलर कंट्री माना जाता है। यही बात सभी को चौंकाती भी है कि इतनी बड़ी मात्रा में मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बाद भी इस देश में भी बाकी देशों की तरह मुस्लिम कायदे कानून होने चाहिए थे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये देश मुस्लिम देश होने के बाद भी एक सेक्युलर पहचान रखता है। इसकी सबसे बड़ी वजह इस देश का कुछ हिस्सा यूरोप में होना हो सकता है। जैसा हमने आपको अभी बताया कि इस देश का कुछ हिस्सा ही यूरोप में आता है, पर इस देश के अधिकतर लोगों का रहन सहन काफी हद तक यूरोप के लोगों से मिलता है। इसी के साथ साथ यहाँ के अधिकतर लोगों की सोच भी यूरोपियन है। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ के लोगों का यूरोप में काम करना हो सकता है, क्योंकि यहाँ के अधिकतर लोग यूरोप के अलग अलग हिस्सों में जॉब करने जाते हैं, इसलिए यहाँ के अधिकतर लोगों की थिंकिंग और लाइफ स्टाइल पूरी तरह से यूरोपियन है। दोस्तों, जब कोई ब्रिज बनाया जाता है तो वो किसी मुश्किल जगह या नदी को पार करने के लिए बनाया जाता है, पर क्या आपने कभी ऐसे पुल के बारे में सुना है जिसकी मदद से न सिर्फ दो देश बल्कि दो कॉन्टिनेंट्स को भी क्रॉस किया जा सकता है। एक ऐसा ही ब्रिज टर्की में है, जिसका एक हिस्सा एशिया में है और दूसरा हिस्सा यूरोप में, और इसकी वजह से टर्की को एशिया का पुल भी कहा जाता है। वैसे तो टर्की का बहुत कम हिस्सा ही यूरोप में पाया जाता है, लेकिन फिर भी इतने कम एरिया में ही यूरोप के सबसे ज्यादा पक्षियों की प्रजातियों की संख्या टर्की में ही पाई जाती है। इस देश में आपको अनेक किस्मों के पक्षी देखने को मिल जाएंगे। जब बात हुई है पक्षियों की, तो ऐसे में लव वर्ड्स को कैसे कोई भूल सकता है। एक सर्वे के अनुसार इस देश में लव वर्ड्स यानी प्यार करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ की हवा में ही रोमांस बहता है। टर्की देश में लाल रंग की टोपी पहनकर घर से बाहर निकलना एक अपराध माना जाता है। इस पर मुस्तफा कमाल पाशा ने बैन लगाया था। उन्हें लगता था कि ये कट्टरता की निशानी है, और उनका ये भी मानना था कि ऐसी कट्टरता की उनके देश में कोई जगह नहीं है। तो भैया, आप कभी भी टर्की देश जाएं, तो वहाँ लाल टोपी पहनकर बाहर न निकलें, वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ के लोग सोशल मीडिया साइट्स पर बहुत ही एक्टिव होते हैं, तभी तो फेसबुक पर सबसे ज्यादा अकाउंट्स के मामले में टर्की के लोग तीसरे नंबर पर आते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि वे सोशल मीडिया के बिना रह ही नहीं सकते। उनका मानना है कि सोशल मीडिया पर वे अपने दिल की बात बिना किसी संकोच के कह सकते हैं और अपनी बात शेयर कर सकते हैं। आप सुनकर चौंक जाएंगे, टर्की एक ऐसा देश है जहां बच्चों के जन्म के बाद नमक से लपेटा जाता है।
क्योंकि इस देश के लोगों का मानना है कि ऐसा करने से बच्चों के ऊपर से काली नजर हट जाती है। ये दुनिया चाहे कितनी भी आगे चली जाए, लेकिन लोग आज भी अच्छी नजर बुरी नजर की बातें करते हैं। आपको ये बात तो पता ही होगी कि यूरोप के लोग बहुत कॉफी पीते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि यूरोप में कॉफी पीने की शुरुआत इस्तांबुल से ही हुई थी। इस देश में कॉफी के अलावा चाय पीना सभी लोगों के लिए एक आम बात है। इस देश के करीब 96% लोग हर दिन एक बार चाय जरूर पीते हैं। यहाँ पर भी हमारे देश की तरह चाय पर चर्चा करने वालों की कोई कमी नहीं है। जब बात खाने पीने की हो तो टर्की के लोग खाने पीने के बहुत ही शौकीन होते हैं। ये देश एकमात्र ऐसा देश है जहाँ आपको चिकन से बनी मिठाई खाने को मिलेगी। यहाँ चिकन का प्रयोग मिठाइयों में भी किया जाता है। इस मिठाई को चिकन और दूध को मिलाकर तैयार किया जाता है। नॉन वेज का शौक रखने वालों को ये मिठाई बेहद पसंद आती है। अगर आप भी कभी टर्की जाएं और नॉन वेज का शौक रखते हो तो इस खास मिठाई को जरूर टेस्ट कीजिएगा। खाने के साथ साथ टर्की के लोग पीने के भी बहुत शौकीन होते हैं। टर्की का बियर मार्केट दुनिया का 12वां सबसे बड़ा बियर मार्केट है। टर्की में बियर पीना बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। आप सुनकर चौंक जाएंगे, इस देश में वाइन पीने का ट्रेंड 4000 ईसा पूर्व से चला आ रहा है। यहाँ के लोगों के बीच में व्हाइट वाइन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। आपको टर्की के हर रेस्टोरेंट में व्हाइट वाइन पीने को मिल जाएगी। जहाँ खाने की बात आती है तो हम आपको बता दें कि इस देश का खाना पूरी दुनिया भर में फेमस है। कहते हैं जिसने भी यहाँ का नॉन वेज फूड एक बार खा लिया उसे फिर कहीं और का नॉन वेज फूड पसंद ही नहीं आता। यहाँ के खानों में डोनर कबाब विश्व प्रसिद्ध है। इस देश के शेफ भी पूरी दुनिया में फेमस है। इस देश के लोगों को पॉलिटिक्स में भी बहुत अधिक रुचि है। यहाँ लोग पॉलिटिक्स पर खुलकर बातें करते हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी ने अच्छा काम किया, किसने नहीं किया, किसे वोट देना चाहिए और किसे नहीं, ये सभी बातें यहाँ के लोग आपस में खुलकर डिस्कस करते हैं। अगर आप पत्रकार हैं और आप चाहते हैं कि टर्की देश में जाकर जॉब की जाए तो जरा सोच लीजिए, क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा पत्रकारों को ही परेशान किया जाता है और यहाँ सबसे ज्यादा जेल की हवा भी पत्रकार ही खा रहे हैं। यहाँ हमारे देश की तरह बिल्कुल नहीं है कि कोई भी कुछ भी बोल कर निकल जाए। टर्की के लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। डांस के साथ साथ यहाँ के लोगों को पेंटिंग भी बहुत पसंद है। टर्की में मधुमक्खी पालन भी बड़ी मात्रा में किया जाता है। मधुमक्खी पालन यहाँ पर कई लोगों का रोजगार है और इसे लोग यहाँ बड़े लेवल पर करते हैं। कहा जाता है कि शहद की जो क्वालिटी टर्की में मिलती है वो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। इसी के साथ टर्की मसालों का भी बड़ा एक्सपोर्टर है। यहाँ से कई मसालों का एक्सपोर्ट दुनिया के अलग अलग हिस्सों में किया जाता है। टर्की के शहर इस्तांबुल में इस देश का सबसे बड़ा मसालों का मार्केट है, जहाँ से मसालों को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। मसालों के साथ साथ टर्की दुनिया भर में अखरोट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। यहाँ से दुनिया के 80% देशों में अखरोट एक्सपोर्ट किए जाते हैं। टर्की देश में 1939 के बाद 25 बेहद खतरनाक भूकंप आए हैं और इनकी तीव्रता करीब 7.8 की थी। जरा सोचिए कि अगर कोई और देश इस तीव्रता के इतने सारे भूकंप झेलता तो अब तक तबाह हो गया होता। इसलिए टर्की एक बहुत ही लकी देश भी है। आप शायद न जानते हो कि बच्चों के चहेते सेंटा क्लॉज का जन्म भी टर्की में हुआ था। सेंटा क्लॉज ने टर्की पतारा में 280 एडी में जन्म लिया था। दोस्तों, टर्की टूरिज्म का एक हॉटस्पॉट है और यहाँ बहुत सी ऐसी जगह है जो टूरिस्ट को अपनी ओर खींचती है। इस्तांबुल में स्थित हैगिया सोफिया इस देश की शान है। वहीं टॉप कैबी पैलेस इस देश की जान है। इसके साथ साथ ब्लू मॉस्क, वेसेलिका सिस्टन भी टूरिस्ट का ध्यान अपनी ओर खींचती हैं। इस देश में कई हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग भी हुई है। मूवीज की शूटिंग के लिए फिल्म डायरेक्टर्स को ये देश बहुत भाता है। इसी के साथ यहाँ का खान पान, स्पाइस बाजार्स और ग्रैंड बाजार्स टूरिस्ट की पहली पसंद है। टर्की की करेंसी टर्किश लीरा है, जिसकी भारतीय रुपयों में कीमत 4.34 रुपीज है, जो ऊपर नीचे होती रहती है। तो दोस्तों, ये था दुनिया का एक बहुत ही स्पेशल देश टर्की। हमारे साथ आपको इस देश का सफर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।